रिवर बोट प्रॉब्लम। चलो रेनमैन हो गया दोनों। यस सर। रिवर बोट प्रॉब्लम देखो तो, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में सबसे जरूरी चीज है ना कि आप लोग तैरना जानते हो क्या? नो सर। नहीं नो सर। अच्छा यस सर, आता है, आता है, कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोग सीखे नहीं होंगे। जैसे आज के बच्चे जो है ना, हम लोग गांव में रहते थे तो सीखते थे, खुद सीखते क्या थे, मतलब डंडा भी पड़ता था लेकिन फिर भी जाते थे, सीख ही गए, खूब पिटाई होगी लेकिन सीख गए, जबरदस्ती सीखे, ठीक है। यस सर। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या है बच्चे, कि एक रिवर होगी और उसके दो बैंक होते हैं, yes. किनारे, ठीक है ना? yes, किनारा कहीं देखा है आपने रिवर में? दो किनारे, ये ध्यान से समझना, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये रिवर, इस रिवर के मान लो ये रिवर है, ऐसे बह रही है, फ्लो हो रही है, इस रिवर के दो किनारे ऐसे, अगर मैं आपको रिवर दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये हो गई रिवर, ऐसे फ्लो हो रही, ठीक है। कभी ईस्ट टू वेस्ट कह देता है फ्लो हो रही है, या वेस्ट टू ईस्ट कह देता है, कभी नॉर्थ टू साउथ कह देता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? या तो कहेगा yes, या वेस्ट टू ईस्ट, या तो कहेगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, इसके दो बैंक हैं, ये एक बैंक हो गया, और ये वाला जो बैंक है ना, इसको अपोजिट बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक के जस्ट अपोजिट, इस वाले बैंक के जस्ट अपोजिट, ठीक है। यस सर। रिवर जिस दिशा में फ्लो हो रही होती है, डायरेक्शन में बह रही होती है, उस डायरेक्शन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे कहते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम। सपोज करो, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, आप लिख लेना, कि ये टर्मिनोलॉजी आपके रिवर बैंक, रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको यूज होगी, क्लियर है? तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलो आप, ठीक है। फिर उसके बाद दो तीन चीजें इसमें पढ़नी होती है, वो आप पढ़ लो, उस पर प्रॉब्लम बना लो, काम खत्म, रिवर बोट, ठीक है। यस सर। एक चीज होती है बच्चे, कि कहते हैं कि अगर मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो उसे कहते हैं, अगर मान लो रिवर की वेलोसिटी वी आर है, तो इस जो वी आर है ना, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड। तो जी हम लोग यहाँ बार बार लिखते नहीं है, तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। अगर कोई आदमी या कोई तैरने वाला, कोई तैराक, अगर कोई तैराक इस डायरेक्शन में, रिवर की इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, या बोट इस डायरेक्शन में चल रही है जिधर रिवर फ्लो हो रही है, यस सर, तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं उसे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जो धारा है, धारा के साथ बहना, धारा के साथ बहना, साथ बहना। स्ट्रीम मतलब क्या होती है? धारा, प्रवाह, yes, धारा, प्रवाह के साथ बहना। जैसे आप लोग वहाँ एक धारा है, देहरादून से केम्प्टी फॉल है, और तमाम धाराएं, तीन धारा, सहस्त्र धारा है ना, और उधर उधर केम्प्टी फॉल की तरफ चले जाओ तो दो तीन धाराएं हैं कि नहीं, बताओ? उधर नीचे yes, चले जाओ तो, मैं गया था देहरादून, एक्चुअली देहरादून में एक डेढ़ महीने रहा, तो वहाँ धाराओं में खूब बहाव है, डाउन स्ट्रीम। वहां जाके बैठ के अपना आराम से, एक एक पानी सा स्रोत सा होता है, कहते हैं उसमें नहाने से जो है आपके पाप धुल जाते हैं, जो जो भी रोग होता है खत्म हो जाता है, ऐसा है क्या मान्यता वहाँ पे? यस सर। है ना? तो हम वहाँ गए, खूब घूमा वहाँ, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यस सर।
अगर आप इधर डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा, प्रवाह के दिशा में, प्रवाह की दिशा डायरेक्शन में, डायरेक्शन में. अगर आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे रो कर रहे हो अपोजिट में, अपोजिट में, तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम. क्या कहते हैं इसे? अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम, ठीक है. यस सर. तो हो गया, इसमें तीन चीजें हो गई, डाउन स्ट्रीम हो गया, अपस्ट्रीम हो गया, ये हो गई डाउन स्ट्रीम, ये हो गई अपस्ट्रीम, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर. क्लियर है? अच्छा. यस सर. आप देखो, ये तीन चीजें समझ में आई आपको? यस सर. अगर मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है और वो यहाँ जाना चाहता है, जस्ट अपोजिट, इसे कहते हैं जस्ट अपोजिट. अपोजिट तो पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंच सकता है, कहीं पे भी पहुंच सकता है. पहुंच सकता है, नहीं बताओ? यस सर. लेकिन अगर इसके जस्ट सामने पहुंचना चाहे तो उसे कहते हैं जस्ट अपोजिट. क्या कहते हैं उसे? जस्ट अपोजिट. जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट हो गया ये भी. क्लियर है? जस्ट अपोजिट पहुंचना चाहे तो क्या करेगा, और अपोजिट पहुंचना चाहे तो वो अलग चीज है कि भाई यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, वो अपोजिट हो गया. अपोजिट. और सबका एम यही होता है कि इधर से कूदो और वहां पहुंच जाओ, इधर से कूदो और वहां पहुंच जाओ. अब पहुंचते हैं, अगर जस्ट अपोजिट पहुंचते हैं तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी, और अपोजिट पहुंचते हैं तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी. मेरी बात समझ आई इतनी? यस सर. यस सर. क्लियर है? अच्छा. अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक. अब जब भी आपको बोट की वेलोसिटी दी होगी या मैन की वेलोसिटी दी होगी, किसकी वेलोसिटी? बोट की या मैन की, जो तैराक है, स्विमर है, स्विमर की वेलोसिटी दी होगी अगर आपको, तो वो दी होती है वेलोसिटी. भाई कोई स्विमर होगा तो वो कहाँ तैरेगा? पानी में ही तो तैरेगा. यस सर. तो पानी में जब तैरेगा ना, तो उसकी जो वेलोसिटी दी होगी स्विमर की या बोट की, वो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. लेकिन रिवर कैसा होगा या पानी कैसा होगा? वो शांत जल होगा. स्टेबल. स्टेबल. शांत जल में तैरना और धारा की प्रवाह या धारा की विपरीत दिशा में तैरना, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है, बताओ? यस सर. अगर मेरी बात ध्यान से समझना और इस चीज को लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ. यस सर. क्लियर है? यस सर. आप लोगों को नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है. आ रही है? यस सर. तो देखो, धारा की प्रवाह में बहना, धारा के विपरीत बहना और शांत जल में बहना, तीनों अलग अलग चीजें. यस सर. अगर धारा की प्रवाह में बह रहे होते हो तो आपकी वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाती है. यस सर, ऐड होती है. आपकी वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड. ऐड. क्या करना? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड. कुछ टेक्निकल ना प्रॉब्लम सी है, तो एक सेकंड होल्ड करना. यस सर जी. यस सर. चलो, तो हम लोगों ने देख लिया डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ए वेलोसिटी ऑफ रिवर, ए और अप जस्ट अपोजिट बी, ठीक है? अच्छा. यस सर. अब इसमें एक टर्म आता है कि भाई देखो, हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं? हमेशा वेलोसिटी ऑफ एनी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है? लेकिन भैया बोट ग्राउंड में तो नहीं चलेगी. नो सर. क्लियर है? वो तो चलेगी पानी पे. Yes, sir. तो शांत जल में, जो शांत जल मतलब स्टिल वाटर. यस सर. शांत जल में जो बोट की वेलोसिटी होगी उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ दैट बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यस सर. ठीक है? या उसी को आप प्रॉब्लम में देखोगे तो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ठीक है? थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इसमें थोड़ी सी अलग. वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट. अब आप मेरी बात सुनो. जैसे मैं आपसे कहूं कि शांत जल में मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहा था. कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहा था. और मान लो कि नदी की धारा है 2 किलोमीटर पर आवर. यस सर.
मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, अगर मैं नदी की धारा की दिशा में चल रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या होगी? अगर आप जमीन से खड़े होकर देख रहे हो तो सेवन नहीं आया समझ में सर? डाउन स्ट्रीम में जो शांत जल में वेलोसिटी किसी मैन या किसी बोट की है वो नदी की धारा के साथ जुड़ जाती है, और अप स्ट्रीम में वो वेलोसिटी माइनस हो जाती है। यस सर। मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर। क्लियर है? तो अगर yes, हम यहाँ बात करें कि वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ बोट की बात कर रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये समझ में आ रहा? ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? रिवर के, शांत जल में। किसमें? शांत जल में। और ये रिवर की वेलोसिटी हो गई। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो आप इसको लिख लेना कि अगर कोई आप स्ट्रीम में जा रहा है या सॉरी कोई डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो लिखो डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल या एनी स्विमर इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये जो वेलोसिटी होगी ये किस स्ट्रीम में होगी? डाउन स्ट्रीम। और अगर हम अप स्ट्रीम में वेलोसिटी की बात करें तो लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब रिवर की वेलोसिटी को बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी में से माइनस कर दोगे तो वो वेलोसिटी दिखेगी आपकी स्विमर की वेलोसिटी या रिवर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि आप अगर ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है जब आप स्ट्रीम में जा रहा होता है, और डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो अगले कितना तेजी से भागे जा रहा है वो। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक, इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आई? यस सर। अब देखो एक चीज और है इसमें, मान लो कि वो ए पॉइंट से जस्ट बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है लेकिन बी पे ना पहुंच के कुछ सी पॉइंट पे पहुंच गया। यस सर। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलना। जस्ट ए से कहां पहुंचना चाहता था? बी पे, लेकिन पहुंचा कहां? सी पे। तो ये जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है इसको हम लोग एक्स कहेंगे। ध्यान से देख बच्चे, इसको हम लोग कहेंगे इस वाले डायरेक्शन को, इस वाले को कहेंगे एक्स और इस वाले को वाई। मतलब ये जो डायरेक्शन हो गया ये एक्स की डायरेक्शन हो गई, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाई की डायरेक्शन हो गई। मतलब बैंक से बैंक की डायरेक्शन वाई की हो गई और रिवर के फ्लो की डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन हो गई। यस सर। क्लियर है? आप देख बच्चे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, मान लो बी पे पहुंचना चाहते थे, कहां पहुंच गए? सी पर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? ड्रिफ्ट। वो ड्रिफ्ट कर गया, शिफ्ट कर गया। मतलब बी पे पहुंचना चाहता था लेकिन शिफ्ट करके कहां पहुंच गया है? सी पे। अगर उसे यहां से यहां आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अब क्या नदी में चलना पड़ेगा या दौड़ के इधर जाना पड़ेगा? दौड़ के। वो किनारे पे पहुंचा, उसके बाद दौड़ के यहाँ पहुंच जाएगा। यस सर। तो वहां भी कुछ वेलोसिटी उस मैन की दी होगी कि भैया उसमें जो बैठा हुआ आदमी है उस आदमी की वेलोसिटी इतनी है जिससे कि वो वहां पहुंच जाए। क्लियर है? ये सारी प्रॉब्लम में चीजें आएंगी। तो ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये आप लिख लो इस बात को। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। और इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, दो तीन चीजें पढ़नी है आपको। यस सर। ठीक है, चलो। ये उतार लिया अगर आपने तो हम आगे करते हैं क्या क्या पढ़ना है। उतार लिए। ठीक, अब देखो, अब एक नया ना फ्रेम बना लो, एक नया प्रॉब्लम बना लो या एक नई चीज बना लो और उसमें ना सारे ना सफर शुरू करेंगे। मान लो ये रिवर है और ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, किस वेलोसिटी से? वीआर वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? ये जो है ये यहां से ये
उसको कहते हैं विड्थ, किसकी विड्थ? रिवर, रिवर की विड्थ, क्लियर है, रिवर की विड्थ, ठीक है। विड्थ मतलब से चौड़ाई, हाँ विड्थ मतलब चौड़ाई, रिवर की चौड़ाई इतनी हो गई, लंबाई तो खैर उस लंबाई का हमसे कोई काम नहीं नहीं है, क्योंकि लंबा कितना जी कितना आपका मन करे उतना चाहो, यस यस। अब जो है उत्तर काशी से जो है चढ़ो और महानंद महानदी से और उतरते हुए सीधा गंगा नदी में होते हुए फिर कहाँ निकल जाओ, भगीरथ से चढ़ो और वहां निकलते हुए कहाँ निकल जाओ, हुगली, बंगाल, यस सर, बंगाल, बंगाल से सीधे खाड़ी में, आप जहाँ बैठे हो वो तो पावन नगरी है ना, यस सर, ठीक है। तो ये तो हम लोग चौड़ाई, हम लोगों की चौड़ाई से मतलब लंबाई से कोई मतलब नहीं नहीं है, जब PCS IS IS देना तो लंबाई चौड़ाई दोनों देखना है आपको, वहाँ वहाँ चौड़ाई से मतलब नहीं है, वहाँ लंबाई से मतलब है, ठीक है। तो देखो जी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, अच्छा कोई आदमी या कोई बोट, हम लोग बोट लेके चल रहे हैं, आप स्विमर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। कोई बोट यहाँ से चलना शुरू करती है और दूसरे बैंक पे पहुंचना चाहती है, तो हम और आप कभी भी तैरेंगे ना, अगर मान लो कि हम यहाँ से चले और यहाँ पहुंचना चाहते हैं, जस्ट ए से चले और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, बी पर, बी पे पहुंचना चाहते हैं, तो हम क्या इस डायरेक्शन में कूदे तो बी पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे? सर नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, जिंदगी में नहीं पहुंचे, यस सर, मेरी बात समझ रहे हो, यस सर, ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान दे, तो हम इस डायरेक्शन में कभी कूदेंगे नहीं, नहीं नहीं, हम लोग कूदते हैं या चलना शुरू करते हैं अगर हमको ए से बी पे पहुंचना है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो डिपेंड करता है कि हमको कितने एंगल पे कूदना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो हम डिस्कशन करेंगे, yes, लेकिन अभी हम एक जनरल टर्म की बातें करना शुरू कर, तो अगर हमको ए से मान लो सपोज करो बी पे पहुंचना है, ये है आपका एम, ये yes, sir, एम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, कि हम जब भी नदी में कूदेंगे ए से बी पे पहुंचने के लिए तो हम इस डायरेक्शन में कूदेंगे, कूदेंगे कि नहीं बताओ, यस क्लियर है, और इस एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे, थीटा, इस एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे, थीटा, ये जो वेलोसिटी होगी इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, लेकिन 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 लगा है इसमें, लेकिन ये कौन सा वेलोसिटी है, ये उस बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, लेकिन ये शांत जल में है, मैंने यही सिखाया अभी आपको, यस सर, कोई आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है या कर रहा है, मेरी बात समझ में आई, यस सर, यस सर, तो VBR क्या है, वो VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है या स्विमर है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, लेकिन वो किसमें है, शांत जल, शांत जल, ठीक है ना, स्टिल वाटर, यस सर, ये एंगल क्या हो गया, थीटा, थीटा है वो डायरेक्शन विड्थ से, कि इस डायरेक्शन में वो क्या करना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, शुरू करेगा, क्लियर है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो पानी में कूद के जो नदी बह रही है तो उसमें उसकी रफ्तार कुछ अलग हो जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो, यस सर, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ये हो गया एंगल थीटा, अच्छा आप देख कि ये जो वेलोसिटी है इसे VBR लिख लो, VR लिख लो, VR आपने लिख लिया होगा, VBR लिख लो, VBR है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन शांत जल, बोट इन शांत जल, शांत पानी, ठीक है, यस सर, ये आदमी VBR वेलोसिटी से कूदा, अच्छा भाई, आप देखो
इस VBR के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा आपका VBR cos थीटा। यस सर। और नहीं बताओ। यस सर। और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा VBR sin थीटा। अभी हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी। इधर की वेलोसिटी हो गई VBR sin थीटा, इधर की वेलोसिटी हो गई VBR cos थीटा। क्लियर है? यस सर। तो नेट वेलोसिटी अगर बोट की वाई डायरेक्शन में देखें, वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन, इस वाले को हम लोग कौन सा डायरेक्शन कह रहे हैं बच्चे? यहाँ लिख लेना, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो अगर हम देखें कि वो स्विमर या वो बोट किस वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में जा रही है बताओ, तो अच्छा अब देखो, चूंकि यहाँ बोट जब इस पानी में चलना शुरू करी, नदी में चलना शुरू करी, और नदी की अपनी वेलोसिटी वी आर है, नदी की अपनी वेलोसिटी वी आर है, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अगर हम कहें, इन एक्स डायरेक्शन एक्चुअल वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ? स्विमर की वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी, जो स्विमर की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी शांत जल में है एक्स डायरेक्शन में, क्या उसको माइनस करने के बाद हम नेट वेलोसिटी लिखेंगे एक्स डायरेक्शन? सर VVR sin थीटा माइनस VR, ये हो जाएगा VR माइनस VBR साइन थीटा। यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी हो गई कितनी? वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, रिवर इधर फ्लो हो रही है, तो रिवर की वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस कर दो या इसकी वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी माइनस कर दो, वो डिपेंड करेगा, आप साइन कन्वेंशन सही लेना। अगर ये निगेटिव आएगा, इसका टर्म निगेटिव आएगा, इसका मतलब उसका नेट डायरेक्शन फ्लो होने का इधर है, और अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते करते इधर की तरफ जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। पी बी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब वो किधर जाएगा? यहाँ। और अगर ये वी बी एक्स लेस देन जीरो होगा तब वो यहाँ जाएगा। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा हो गया, तो अगर ये वाला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा हो गया तो निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। और निगेटिव आएगा तो वो यहाँ कहीं मिलेगा आपको। यस सर। ठीक है। और ये वाला टर्म अगर इससे लेस है, वीआर से लेस है, तो वो यहाँ कहीं मिलेगा, और ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया तो वो यहाँ मिल जाएगा। यस मुझे लगा नहीं कि आया। सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से करा देता हूँ मैं, फिर से चिंता मत करो। okay. अभी ये लिख लिया आपने? यस सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर VBX, क्या चीज? VBX लेस देन जीरो है, इसका मतलब निगेटिव हो गया। यस सर। अगर निगेटिव हो गया बच्चे, तो क्या VBR sin थीटा VR से बड़ा हो गया? यस सर। तो वो कहीं यहाँ पहुंचेगा। यस सर। यस जी। ठीक है? यस सर। अपने साइड से बोल रही, पढ़ ले, पढ़ना तो है ही। ठीक है? ओके। और अगर इधर मार्कर खुला VBR सॉरी VBX पढ़ ले ग्रेटर देन जीरो है, तो वो कहीं यहाँ पहुंचेगा। यस सर। और अगर इक्वल टू जीरो है तो? बी पर। सर बी पर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्योंकि एक्स में वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? एक्स में जो वेलोसिटी है उसकी, एक्स में कम हो गई। वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ हो जाएगी? वाई की तरफ। वाई की तरफ। वाई नहीं आया। इधर की तरफ हो जाएगी उसकी, वाई की तरफ। और तो जब सिर्फ वाई की तरफ रहेगी तो वो कहाँ भागेगा? बी पे। बी पे। नहीं, आपका एक कंपोनेंट ऐसा हो जाए कि रिवर की वेलोसिटी को वो कंपोनेंट काटता रहे तो आप कहाँ पहुंचोगे?
बी पे नहीं आया समझ में आया पक्का ना यस सर यस सर लिखवा दूंगा चिंता मत अब आ जाओ इसमें बात करते हैं एक टर्म आता है टाइम चलो शुरू करें यस सर यस सर पहला लिख लो पहला टर्म नंबर वन टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर लिखो टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर क्या हो जाएगा भाई देखो इधर फिर से मैं बना देता हूं इसे ये रहा ये यहां से चला ये ऐसे कूद गया VVR वेलोसिटी से ये एंगल थीटा है ठीक है ये है आपका VVR cos थीटा ठीक है पॉइंट बी हो गया ये पॉइंट आपका ए हो गया ठीक है रिवर की वेलोसिटी VR इधर है तो हमने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखी थी VBX अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिखा था मैंने तो लिखा था VR माइनस VBR साइन थीटा और सी मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या लिखा था हमने लिखा था VBR cos थीटा लिखा था बताओ ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है क्या ये विड्थ है हां विड्थ है ठीक है यही तो लिखा था मैंने यस सर आप देखो टाइम taken by the boat to cross the river ये कंडीशन ये कहीं नहीं है ये कहीं नहीं है कि वो कहां पहुंच रहा है हाँ सिर्फ ये कह रहा है कि वो क्रॉस रिवर को कर रहा है वो ये नहीं कह रहा है आपसे कि यहाँ पहुंच रहा है कि यहाँ पहुंच रहा है कि यहाँ पहुंच रहा है अगर ये सिचुएशन है तो वो कह रहा है कि आदमी एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना चाहता है बस टाइम टेकन बाय द बैंक बोट टू क्रॉस द रिवर लिखो तो टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर क्या हो जाएगा भाई रिवर की विड्थ कितनी है W किस वेलोसिटी से ये इधर की तरफ जा रहा है वो बताओ VVR cos theta तो टाइम टेकन बाय द बोट क्या हो जाएगा टू क्रॉस द रिवर W अपॉन VVR cos वेलोसिटी VVR cos theta y डायरेक्शन में वेलोसिटी तो y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है भाई VVR cos theta यही है ना VV भाई यस सर तो ये हो गया T is equal to कह सकते हो आप W डिवाइडेड बाई W क्या है विड्थ ऑफ द रिवर विड्थ ऑफ द रिवर बी वाई क्या हो जाएगा भाई VVR cos theta ठीक है यस सर यस सर ओके अब वो यहाँ यहाँ से चला VVR cos theta से हो सकता है वो यहाँ पहुंच जाए या हो सकता है वो कहीं और पहुंचे तो मान लो कि वो यहाँ से चला और कहीं यहाँ पहुंच गया C पॉइंट कहाँ पहुंच गया सी पॉइंट अगर सी पे पहुंच गया तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में हो गया कि नहीं हो गया बताओ यस सर यस सर किसमें हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में क्या एक्स का डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लें क्यों क्योंकि उसकी वेलोसिटी एक्स में है कि नहीं है यस सर तो लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट अलोंग एक्स displacement of the boat या swimmer yes along x axis कितना हो जाएगा भाई बताओ तो x is equal acceleration तो कुछ है नहीं yes sir कि है yes, sir. नहीं है तो x is equal to भाई एक्सेलेरेशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है x is equal to uxt plus half axt square होता है ax आपका 0 है तो एक्सेलेरेशन क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x is equal to uxt यस सर मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन इनटू t यस सर नहीं आया आया सर क्लियर है ना तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन क्या है भाई बताओ vb cos माइनस
vvr sin theta yes sir into time time कितना लगा उसको क्रॉस करने में उतने में ही तो वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बताओ yes sir तो कितना टाइम लगेगा बताओ w upon vvr w upon vvr cos theta cos theta ठीक है yes क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट अलोंग x एक्सिस क्या इसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं yes sir yes sir दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट लिख लो जाना चाहते थे कहीं और पहुंच गए कहीं और तो उसी को क्या कहते हैं ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट शिफ्ट हो गए हम शिफ्ट हो गए ठीक है क्लियर है ये दो इक्वेशन ये कितने इक्वेशन दो और एक तीसरा इक्वेशन आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट When he cross the river. जब वो रिवर को क्रॉस कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना करेगा भाई देखो ध्यान से देखो बच्चे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मान लो वो यहां से चलना शुरू किया यहां से चलना शुरू किया और वो यहां ना पहुंच के यहां पहुंच गया yes, sir. तो क्या ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका क्लियर है कि नहीं है बताओ ये हो गया आपका क्या एस सॉरी डब्लू यस सर डब्लू और ये कितना है एक्स तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा यस सर तीसरा लिख लो तीसरा नेट डिस्टेंस S is equal to under root of what? W square plus? Plus X square. W square plus? X square. X square. ठीक है? कोई दिक्कत? No. No, sir. ठीक है? Okay. Path. ये हो गया path length. ठीक? Yes, ये हो गया आपका time. ये हो गया आपका distance. ड्रिफ्ट तीन चीजें इसके अलावा चौथी कुछ नहीं है ठीक अब इसी में आती है कंडीशन क्या आती है कंडीशन तो लिखो पहली कंडीशन चले आगे हम लोग यस सर यस सर पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर मान लो स्विमर चाहता है कि हम शॉर्टेस्ट टाइम में उधर पहुंच जाए Swimmer wants to cross the river in shortest time. Yes, sir. पहला कंडीशन लिखो सर टर्न टू है सर सर टर्न टू है क्या बच्चे फिर से कंडीशन है यस सर वो तो देखो तीन ही इक्वेशन इसमें बनती है एक टाइम की एक ड्रिफ्ट की और दूसरा पाथ लेंथ पाथ लेंथ क्या पाथ ठीक है Yes, sir. लेकिन या नेट डिस्प्लेसमेंट कह लो उसका लेकिन कह दे अगर आपसे कंडीशन की ऐसा है बच्चे आपको शॉर्टेस्ट टाइम में यहां से वहां पहुंचना है उस रिवर को आपको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो आप दिमाग लगाओगे यार ऐसा है कि हम लोग क्या करें आप क्या दिमाग लगा तो ध्यान से समझना ये सब समझने की चीजें समझ में आ गया ना तो आपसे प्रॉब्लम ये ना रिवर बोट की बन जाती है कंडीशन चलोगे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए आप कहोगे यार ये रहा मैं और वो रहा वो क्या करोगे भैया झट से आदमी ऐसे करता है यहां से कूदता है और इधर की तरफ चलना शुरू कर देता है अरे नहीं आया yes, भाई आपको क्या दिख रहा है कि यार ये मैं इधर खड़ा और वो किनारा उधर है मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है कम से कम टाइम कुछ जाओ सीधा वहां पहुंच जाएंगे हम yes, तो क्या वो यहाँ पहुंचता है या कहीं और पहुंच जाता है कहीं और पहुंचेगा तो वो कहीं और पहुंच जाएगा लेकिन वो दौड़ के फिर यहाँ पहुंच सकता है कि नहीं अगर अपोजिट बैंक पे चाहे तो yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना यस सर तो लिखो कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर
condition for shortest time to cross the river. शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो जाएगा भाई? टी टाइम क्या है रिवर को क्रॉस करने का? टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, है कि नहीं बोलो? यस सर, यस सर। टाइम को शॉर्टेस्ट करना है, कम करना है। क्या करना है? कम 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 कैसे हो सकता है? क्या विड्थ घटा सकते हो उसकी? नो सर, नहीं। ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। Yes, sir. Sir, velocity कम कर सकते हैं ना? वेलोसिटी कम कर सकते हो। क्यों नहीं कम कर सकते भाई वेलोसिटी को? क्योंकि भैया आपकी शांत जल में जो वेलोसिटी है वो तो उसको तो आप कम नहीं कर सकते ना। यस सर। क्या कर सकते हो? थीटा चेंज कर सकते हो। थीटा, अगर ये टाइम को छोटा करना है तो थीटा को क्या कर दो? ऐसा कर दो कि कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए। यस सर। नहीं आया समझ में? cos theta क्या हो जाए? maximum। तो cos theta maximum कितना हो सकता है भाई? one। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर cos theta maximum one हो जाए, मतलब cos theta one हो जाए, ये shortest time के लिए है। cos theta अगर one हो जाए मतलब theta कितना? zero degree। तो वो कैसे कूदेगा भाई बताओ? कैसे कूदेगा वो आदमी? y के भी ऐसे ही है, झट से हम यहाँ पहुंच जाए। कूदते भी मतलब जो आप रो करना चाह रहे थे या जो आप ऐसे कूद रहे थे ऐसे थीटा एंगल पे, ना मत यार तू, ऐसे थीटा एंगल पे कूद रहे थे ना, जंप कर रहे थे। अब यहाँ ना जंप करके सीधा जंप कर गए, तो जब सीधा जंप करोगे तो क्या यहाँ पहुंचोगे या यहाँ पहुंचोगे? सीधा पहुंचेंगे। यहाँ वो नहीं कह रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द, यहाँ वो नहीं कह रहा है कि जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, वो ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। यस सर, ध्यान से समझना इस बात को। अपोजिट, जस्ट अपोजिट पे पहुंचना और शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, दोनों के टाइम में डिफरेंस होता है। यस सर, यस सर। जस्ट अपोजिट पे आपको पहुंचना है तो आपको इधर ही रो करना पड़ेगा, इधर ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही जंप करना पड़ेगा और ऐसा एंगल लगाना पड़ेगा जिससे कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, मतलब एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाए, तब जस्ट यहाँ पहुंच जाओगे। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। अगर आपको जस्ट अपोजिट पे पहुंचना है तो क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा? यस सर। कर देना जीरो, जस्ट अपोजिट पे पहुंच जाओगे, वहां से थीटा निकल जाएगी। इस थीटा पे अगर हम कूदेंगे तो जस्ट अपोजिट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है आपको तो आप कैसे कूदोगे? ऐसे, ये कूद गए आप, ये कूद गए, बहते बहते आप कहीं यहाँ पहुंच जाओगे, पहुंचोगे कि नहीं बताओ? यस सर। दूसरे बैंक पे पहुंच गए। ये इसमें आपको साथ मिला किसका? रिवर का भी साथ मिला। रिवर का। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आया सर। मैं किसका साथ मिला आपको? रिवर। रिवर का साथ मिला तो क्या तेज भागोगे आप? यस सर। तेज भागो, क्लियर है ना? यस सर। शॉर्टेस्ट टाइम और जस्ट अपोजिट टू, क्या यहाँ से इससे ए से जस्ट बी पे पहुंचने के लिए क्या वो ऐसे कूदेगा? यस सर। नहीं कूदेगा। ए से जस्ट बी पे पहुंचने के लिए वो ऐसे नहीं कूदेगा बच्चे? यस सर जी, ठीक ठाक। ए से जस्ट बी पे पहुंचना है तो आपको वी वी एक्स जीरो करना पड़ेगा, लिख लो इस बात को। क्या जीरो करना पड़ेगा? एक्स डायरेक्शन में उसकी, एक्स डायरेक्शन, ड्रिफ्ट जीरो कर देना है। यस सर। क्लियर है? यस सर। दूसरा ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी वी आर कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? वन, मतलब थीटा कितना हो जाए? जीरो डिग्री। थीटा जीरो डिग्री हो जाएगा तो टाइम कितना लगेगा उसको? शॉर्ट लगेगा। जस्ट क्रॉसेस द रिवर, जस्ट क्रॉसेस द रिवर, कितना हो जाएगा भाई? टी मिनिमम या शॉर्टेस्ट टाइम कितना हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट टाइम तो शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी शॉर्टेस्ट डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, दिस इज द इक्वेशन फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। यस सर। ठीक है? यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? लिखो दूसरी कंडीशन।
second condition. Condition when the boatman wants to reach the opposite direction. Condition when the boatman wants to reach opposite, wants to reach opposite, just opposite. Just opposite bank. Just opposite point. मतलब वो कहां से चले ए से और कहां पहुंच जाए बी पे. ए से चल के बी पे पहुंचना चाहता है, क्या करेगा भाई वो? सर थीटा एंगल. यस सर. यस सर. इस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? वी बी एक्स जीरो. मतलब लिख लो इन दिस केस ड्रिफ्ट मस्ट बी जीरो. इस केस में ड्रिफ्ट को जीरो कर दो. ड्रिफ्ट को जीरो कर दिया बच्चे, तो बता ड्रिफ्ट हमारा था x इज इक्वल टू बी बी एक्स इंटू टी था कि नहीं बताओ? यस सर. अगर ड्रिफ्ट जीरो करना है तो क्या टाइम जीरो हो सकता है? सर नहीं. तो अगर ड्रिफ्ट जीरो करना है मतलब x अगर जीरो करना है आपको तो क्या वी बी एक्स मस्ट बी जीरो? यस सर. क्योंकि टाइम तो जीरो कर ही नहीं सकते. यस सर. तो वी बी एक्स जीरो कर दिया. और VVX है क्या बच्चे? ये VR हो गई. हाँ, ये आपका हो गया VBR sin theta. ये आपका हो गया VR. तो देखो VVX हो जाएगा VR minus VBR sin theta is equal to क्या? Zero. तो देख sin theta कितना आया? VR upon VBR आया कि नहीं बताओ? Yes sir. Yes sir. Okay. थीटा कितना हो गया बताओ? थीटा से वो कूदेगा. इस थीटा से वो कूदेगा तो जस्ट बी पे पहुंच जाएगा. ठीक है, पहुंच जाएगा. क्लियर? यस सर. तीसरा कंडीशन. अब चाचू चले गए. इसमें एक चीज है, क्या VBR कभी VR से छोटा हो सकता है? VBR कभी VBR VR से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता. कहने का मतलब है इस कंडीशन में हमेशा VR should be less than VBR. अरे भैया साइन थीटा कभी वन से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं नहीं ना. अगर वीवीआर को वीआर से छोटा कर दिए तो साइन थीटा वन से बड़ा हो जाएगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा. और साइन थीटा वन से बड़ा हो सकता है क्या? ना. नहीं हो सकता. इसलिए कंडीशन ये है कि वीआर मस्ट बी लेस देन व्हाट? वीवीआर. वीवीआर पता चला कि वीवीआर वीआर से ज्यादा हो गया तो वो ऐसे ही तैरता रहेगा, कभी इधर पहुंच ही नहीं पाएगा. यस सर. नहीं आया समझ में? आगे से. क्लियर है ना? yes. अगर VBR VR से बड़ा हो गया तो वो ऐसे ही तैरता रहेगा, कभी इधर पहुंचे. सॉरी, VR VBR से बड़ा हो गया. सॉरी, गलत कर रहा हूं मैं. देखो यहाँ गलत हो गया हमसे. देखो अगर VR VBR से बड़ा हो गया तो वो इधर ही चलता रहेगा, फिर इधर ही चलता रहेगा, वो इधर पहुंच ही नहीं पाएगा. क्लियर? ओके. ठीक है, ये तो कंडीशन, ये कंडीशंस हो गई कि अपोजिट बैंक पे पहुंचना है तो क्या करना होगा, इधर चलना है तो क्या करना होगा, उधर चलना है तो क्या करना होगा. कोई दिक्कत? नहीं सर. ठीक है, प्रॉब्लम शुरू करें एकाक. यस सर. ठीक है, अब आ जाओ एक और कंडीशन लिख लो. शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ. पाथ को क्या कर दो? शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट छोटा कर दो. तो शॉर्टेस्ट पाथ लिखो. तीसरी कंडीशन है शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन. पाथ लेंथ क्या थी भाई? s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ w स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यही तो थी. यस सर. सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है? w. सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है? s की वैल्यू के बराबर हो सकती है. w के. यही तो सबसे छोटा पाथ है. यस सर.
सबसे छोटा पाथ मतलब s इक्वल टू किसके बराबर, w के, क्योंकि w को तो आप छोटा कर ही नहीं सकते ना, तो s yes, तो कम से कम w तो हो गई। यस सर। तो s w हो गया मतलब x जीरो हो गया। यस सर। यस सर। एक तो कंडीशन ये हो गई, s w हो गया इसका मतलब x किसके बराबर हो गया, जीरो के। जीरो। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी दूसरी कि भैया अब इसके अलावा भी शॉर्टेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलो भाई ये हम नहीं कर सकते, मान लो सपोज करो अगर एस डब्ल्यू हो गया तो एक्स जीरो के बराबर है, एक्स जीरो तो अभी आपने देख लिया था, एक्स जीरो मतलब जस्ट वो अपोजिट बैंक पर पहुंचेगा, मतलब साइन थीटा किसके बराबर, वी आर अपन वी वी आर के हो जाएगा। यस सर। और वहां कंडीशन होगी कि वी आर मस्ट बी व्हाट, लेस देन वी वी आर। यस सर। ये हम लोगों ने देख लिया अभी। यस सर। यस सर। दूसरा कि अगर VBR VR VBR से बड़ा हो गया, VR VBR से बड़ा, अब देखो इधर अगर ये shortest है, ये वाला क्या है shortest, मतलब ये path है S is equal to under root of W square plus X square, shortest सबसे छोटा तो यही हो गया S is equal to W के बराबर, लेकिन yes, आप और minimize, मतलब हो सकता है कि ये ना हो लेकिन आप minimize करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, मिनिमाइज। तो ये वाले को क्या कर दो, जितना मिनिमम से मिनिमम करोगे x को, जितना मिनिमम से मिनिमम करोगे वो पाथ सबसे छोटा होता जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा, रहेगा तो w से बड़ा ही लेकिन छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ के लिए dx अपॉन d थीटा हम लोग जीरो कर सकते हैं क्या, yes, क्या x को मिनिमम कर सकते हैं क्या, x शुड बी व्हाट, मिनिमम, मिनिमम, जितना मिनिमम से मिनिमम कर सकते हो इसे कर दो, अगर x को मिनिमम से मिनिमम कर सकते हो तो x की वैल्यू यहाँ मिनिमम से मिनिमम रख दो, s आपका मिनिमम होता जाएगा लेकिन w से बड़ा रहेगा। यस सर जी। ये भी एक कंडीशन होती है। तो x को मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि x आपका क्या है, देखो x आपका है वी बी एक्स साइन थीटा, सॉरी वी बी एक्स इंटू टी है कि नहीं बताओ। Yes, sir. अगर आपको इसे मिनिमम करना है मतलब dx by d theta क्या कर देना है आपको, जीरो, dx by d theta आप जीरो पुट करो, ठीक है, और वहां yes, से sir. वहां से आप क्या निकालो, थीटा निकाल लो, थीटा निकाल लो, और थीटा निकाल के फिर देखो कि अगर हम इस थीटा पे अगर हम कूदेंगे जंप करेंगे तो हम शॉर्टेस्ट पाथ पा सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी एक्स अगर मिनिमम हो जाए तब भी ये कम से कम हो सकता है। यस सर। कम एक्स को हम मिनिमम कर रहे हैं, एक्स को मिनिमम मतलब dx by d theta क्या कर रहे हैं, जीरो, क्या कर रहे हैं, जीरो। देख बच्चे, x इक्वल टू हमारा क्या है, vbx c, t मतलब w अपॉन vbr cos थीटा है कि नहीं बताओ। यस सर। और vbx हमारा क्या है भाई, vr माइनस vbr sin थीटा है कि नहीं बताओ। यस सर। इनटू w अपॉन vbr cos थीटा है कि नहीं बताओ। यस सर। इसे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग अगर मिनिमम करना है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, W को बाहर ही रखो, इसे लिख लो VR sec theta माइनस माइनस VBR tan theta इंटू W अपॉन VBR, चलेगा क्या? Yes sir। या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसे W इधर रख लो, ये हो जाएगा आपका VR अपॉन VBR sec theta माइनस टेन थीटा, चलेगा क्या? यस सर। लिख सकते हो ना इसे? यस सर। चलो अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो डिफरेंशिएट कर लो इसे, कर लो डिफरेंशिएट, क्या होता है बताओ, ये बचा आपका, आप dx by d थीटा जीरो कर लो, तो देखो आपका x तो है कितना, d by d थीटा, x आपका है कितना भाई, x आपका है w इंटू VR अपॉन VBR sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको क्या करना है आपको, जीरो,
जीरो डब्ल्यू तो कांस्टेंट है यस yes, हो जाएगा बाहर अब इसे डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन वी बी आर थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करोगे sec थीटा तो क्या आता है डिफरेंशिएशन sec थीटा का sec थीटा tan थीटा sec थीटा tan थीटा आता है कि नहीं बताओ यस सर और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है ना बराबर यस सर तो w तो जीरो हो ही नहीं सकता यस सर जीरो नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो क्या जीरो हो सकता है थीटा थीटा vbr sin थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो कि नहीं बताओ कर yes, सकते हैं क्लियर है यस सर अब देखो यहां से इसे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे वाला टर्म ये देखो ये हो सकता है आपका क्या लिख सकते हो इसे वी आर अपॉन वी बी आर साइन थीटा माइनस वन इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो आप इसे यस सर अरे मैंने यही किया कोई गलत है क्या वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया भाई अरे चलेगा यस सर एक बार आप इसको जीरो कर लो और एक बार इसको जीरो कर लो अरे नहीं आया यस सर आया सर ठीक है तो एक बार अगर आप इसको जीरो करो तो अगर इसको जीरो करोगे वी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा को सॉरी वी आर अपॉन वी बी आर साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कर लो तो साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है साइन थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी वी बी आर अपॉन वी आर आ रही है कि नहीं बताओ यस सर यस सर वी बी आर अपॉन वी आर वी आर तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर यही तो होगा इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ VBR upon VR थीटा अगर इतना हो जाए ना कंडीशन क्या होगी यहाँ क्या VBR VR से बड़ा होगा VBR VR से नहीं नहीं, नहीं बड़ा होगा होगा कि बड़ा होगा नहीं होगा सर नहीं होगा ना यस सर तो अगर कहने का मतलब है कि अगर साइन थीटा वी बी आर अपॉन वी आर हो जाए तो एस क्या हो सकता है मिनिमम क्या हो सकता है शॉर्टेस्ट मिनिमम शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है बताओ एस मिनिमम क्या हो सकता है ये हो सकता है डब्लू इंटू बोलो कितना साइन थीटा मतलब ये हो जाएगा आपका वी आर अपॉन वी आर अपॉन छोटा न्यूमेरिकल लिखो बहुत बहुत ना सिंपल सा एक रिवर है रिवर है जिसकी वीड था 400 मीटर कितनी है 400 मीटर एक रिवर है Yes, sir. और is flowing at a rate of 2 meter per second. 2 meter per second की velocity से वो flow हो रही है मतलब velocity of river कितना है 2 meter per second. ठीक है और एक आदमी a man can swim या a boat is sailing at a velocity of 10 meter per second. Velocity of boat with respect to river in शांत जल कितना है 10 मीटर पर सेकंड कितना 10 मीटर पर सेकंड ठीक है यस सर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर कैसे चलना चाह रहा है वो क्या चलना चाह रहा है वो परपेंडिकुलर टू द रिवर
मतलब यहाँ से चलना चाह रहा है और यहाँ पहुंचना चाह रहा है, कैसे चलेगा वो? परपेंडिकुलर टू द रिवर। यस सर। ठीक है, किस वेलोसिटी से? 10 पर सेकंड। कैलकुलेट करवा रही है हमसे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं वो? Just opposite या opposite bank? Opposite. मतलब कहीं पे भी जाएं वो, कितना time लगेगा? कौन है? बोलो, निकाल लोगे? कर दे। बताओ कितना होगा? सर 40। गुड, टाइम कितना आएगा बच्चे? 40 सेकेंड। डब्ल्यू अपॉन व्हाट? बीबीआर। यही तो? यस सर। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर चलना चाह रहे हैं, इसका मतलब थीटा जीरो। थीटा क्या जीरो हो गया ना? यस सर। यस सर। उन्होंने क्या कहा कि हम क्या चलना, कैसे चलना चाह रहे हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब थीटा। यस सर। तो थीटा हो गया जीरो, मतलब सीधा सीधा वो, आप इसे ऐसे कह सकते हो कि भैया यहाँ से चले वो यहाँ पहुंचना चाहते हैं, परपेंडिकुलर चलना चाहते हैं, मतलब ये y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। तो t कितना हो जाएगा? 40। w 400 डिवाइडेड बाय व्हाट? 10। कितना हो गया? 40 सेकंड। 40 सेकंड। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेस द अपोजिट बैंक। कह रहे हैं कि अपोजिट पे जब वो पहुंचेगा तो वो जस्ट अपोजिट से कितने डिस्टेंस पहुंचेगा या कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा, मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे? ड्रिफ्ट। क्या पूछ रहे हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट कितना होगा? अरे यार चार्जर क्यों दिल जा गए? चार्जर। बोलो यार। नहीं बना भाई क्या? ड्रिफ्ट। सर बना रहे हैं सर। अरे क्या बना रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? VBX into t तो होगा? Yes sir. Yes sir. कितने टाइम में वहाँ पहुँचे? 40 seconds. Yes sir. Yes. X direction में velocity क्या है? Zero. Zero. किसकी? Man की? Yes sir. लेकिन अगर X direction में velocity देखो तो velocity यही तो होती है VBX equal to VR minus BVR cos theta, BVR sin theta. Yes. Yes sir. अरे यही तो है। yes, yes, sir. अब मुझे ये बता बच्चे, यहाँ v sin theta, theta कितना है? 2 meter। जीरो डिग्री। theta कितना है? जीरो। क्योंकि वो परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो theta कितना, मतलब वो जो यहाँ कूदे, जंप किए, वो कैसे कूदे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो वो इधर की तरफ भाई कूदे इधर, लेकिन वो जाएंगे इधर ऐसे ऐसे। yes. जाना ऐसे ऐसे जाएंगे ऐसे ऐसे, तो इधर सर, ये मीटर आ रहा है। वो खुद जा रहा है या नदी करा रही है? सर 80 मीटर आ रहा है। सर 80 मीटर आ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इधर कैसे जा रहा है, वो खुद जा रहा है या नदी करवा रही है? नदी करवा रही है। नदी करवा। समझ में आई कि नहीं आई? इधर की जो उनकी वेलोसिटी है वो किसकी वेलोसिटी है? रिवर की। रिवर की। और रिवर कितने से फ्लो हो रही है?
2 मीटर पर सेकंड। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा बताओ? 2 × 40 80 मीटर। 80 मीटर नहीं आया सर। पक्का ना? यस सर। x is equal to 2 × 40। अब यहां से भी देख लो, अगर वो परपेंडिकुलर कूदेंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो मतलब साइन जीरो, साइन जीरो मतलब ये वाला टर्म जीरो। यस सर। ये वाला टर्म जीरो, तो vvx किसके बराबर है? vr के। vr के, तो vr वेलोसिटी से वो x डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब x is equal to कितना? vr into t। vr कितना है? 2 meter per second। और t कितना है? 40 into 2 that is 80। अरे आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला एक और कर दो, तसल्ली हो जाए। यस सर। लिख लो इसको। ए स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 वाइड रिवर। अ स्विमर विशेस टू क्रॉस, विशेस हाँ इच्छा है उसकी। ओके सर। अ स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर। 500 meter river flowing at 5 km/h. 500 meter wide river. ठीक है? Yes sir. Flowing at 5 km/h. 5 km/h. ठीक है? Yes sir. His speed with respect to the water is 3 km/h. His speed with respect to the water is 3 km/h. Yes sir. ठीक है? नंबर ए। यस। नंबर ए लिखो। इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा। अपना सर उधर की तरफ रख रहा है चलना। इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। तुम शॉर्ट बाय बाय के बहुत। मेकिंग थीटा विद द फ्लो। विद द फ्लो। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। Find the time. Find the time it takes to cross the river. Clear है? दूसरा उसी में question है, B लिख लो। Find the shortest possible time to cross the river. सर रिपीट करूं? यस। क्या रिपीट करूं बताओ? सर बी वाला क्या निकालना है? बी वाला फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम to cross the river. Meter wide river है। Velocity of river कितना है भाई? 3 km/h मतलब 5 by 18 meter per second यही तो होगा। यस सर। यस सर। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर शांत जल में 3 km/h यही तो है। यस सर। 5 by 18 meter per second चलेगा। यस सर। कंडीशन क्या दिया उसने? If he heads in the direction angle, theta flowing. Theta किससे?
इट हैड विद द फ्लो कह रहा है ना yes, क्या sir. कह रहा है वो विद इफ ही हैड एंगल मेकिंग थीटा इफ ही हैड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो फ्लो के साथ थीटा एंगल बना रहा है यस सर मतलब एक्स डायरेक्शन हां एक्स डायरेक्शन से बना रहा है ऐसे ये है yes, आपका फ्लो की डायरेक्शन है ना मान लो ये फ्लो की डायरेक्शन है यस सर यहां वो जंप कर रहा है तो जंप कैसे कर रहा है वो बताओ ऐसे या ऐसे सर राइट में वन वाले से या टू वाले से टू वाले से टू वाले से यस सर टू विद द फ्लो थीटा जंप कर रहा है वो यस सर फ्लो एक्स डायरेक्शन में ठीक है ये क्या है Yes, sir. अपोजिट हो गया ना यस सर फ्लो के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये वाला एंगल थीटा है ठीक है यस सर तो बताओ क्या ये वेलोसिटी वीवीआर हो गई यस सर तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे ये हो जाएगा वीवीआर कॉस थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा VVR sin theta. VVR sin theta. Velocity x direction में, velocity y direction में. Time taken to cross the river कितना हो जाएगा time? T is equal to displacement या distance traveled in y direction कितना है बताओ? BBR sin theta. अरे आप तो निकाल सकते हो यस सर बताओ कितना आएगा सर थीटा कैसे निकाला सर थीटा सर 100 सेकंड हैं 100 सेकंड कितना बोल घबरा मत 100 सर 100 100 यस सर टाइम यस सर वेलोसिटी अब भैया ये बता इधर से इधर जाना है उसे yes, इधर से इधर जाने के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट उसका कितना डिस्टेंस y में ट्रेवल करेगा वो 500 yes. कितनी वेलोसिटी से y में जा रहा है वो VVR sin थीटा से यस सर अरे नहीं आया आया सर तो टाइम कितना लगेगा बच्चे 500 डिवाइडेड बाय VVR sin थीटा यस सर यस सर क्या आप कह सकते हो कि W अपॉन VVY वेलोसिटी ऑफ द बोट इन y डायरेक्शन इसे ऐसा लिख सकते हो ना देखो इसे आप ऐसा लिख सकते हो ना कि टाइम t इज इक्वल टू W अपॉन VVY यस सर W कितना है 500 VVY कितना है VVR sin theta अरे ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है लेवल 1 का प्रॉब्लम है भाई यस सर भाई गेम खेलते हो यस सर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 5 पहुंचते पहुंचते ना टफ हो जाता है पसीने निकल जाते हैं यस सर आपके तो वन में ही निकल रहे हैं यार इसमें था कुछ थोड़ी ना है क्या नो सर लेवल 1 से लेवल 2 कहो अभी दिखाते हैं हालत खराब हो जाएगी ठीक यस और नहीं अगर अच्छे प्रॉब्लम बनाने हैं तो डीसी पांडे ले लो कौन सी डीसी पांडे समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है देख 500 अपॉन VVR sin थीटा बता VVR कितना है 5/6 ही तो है यस भाई 3 × 5/18 मतलब 5/6 हुआ ना तो ये yes, हो गया 5/6 sin थीटा तो ये कितना हो गया भाई ये हो गया आपका 600 डिवाइडेड बाय यस सर हुआ कि नहीं हुआ बता हुआ सर 600 डिवाइडेड बाय sin थीटा मतलब ये हो गया क्या 10/sin θ मिनट यस सर अरे 10/sin θ मिनट होगा कि नहीं बताओ
यस सर होगा इतना टाइम लगा उसे सर शॉर्टेज डिस्टेंस आ रही है सर शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहा है वो आपसे फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम सर आ रही सिक्स मिनट सर सिक्स मिनट सिक्स मिनट सर शॉर्टेस्ट टाइम एक मिनट सर ये बता सर टेन आ रहा है टेन मिनट टेन मिनट गुड टेन मिनट आएगा शॉर्टेस्ट टाइम यस सर अरे नहीं आया सर आया यार ये बता इस टाइम को अब सॉर्ट करना है यस सर सॉर्ट कितना हो सकता है वो साइंटिफिक मैक्सिमम हो जाए यस सर वन हो जाए साइंटिफिक मैक्सिमम मतलब कितना थीटा कितना हो जाए थीटा हो जाए 90 डिग्री 90 थीटा 90 मतलब वो ऐसे कूदे टाइम सॉर्ट हो तो थीटा 90 पे साइन थीटा सॉरी साइन 91 और साइन 91 मतलब 10 अपॉन 1 दैट इज 10 मिनट शॉर्टेस्ट टाइम कितना हो गया 10 मिनट नहीं आया समझ में क्या ये शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो ड्रिफ्ट निकलवाना निकलवा दे एक आग दो क्वेश्चन और में यस सर चलो एक आग में और निकलवाते हैं यस सर इसी क्वेश्चन में आगे लिखो Yes, sir. Consider the situation of the previous problem. Consider the situation. Situation. Consider the situation. Consider the situation of the previous problem. इसी को वो कह रहा है consider करो. Yes, sir. The man has to reach the other shore. दूसरे शोर पे पहुंचना चाहता है अच्छा ये एक एक चीज होती है ऑनशोर एक चीज होती है ऑफशोर yes, sir. सुना sir, है कभी आपने नो सर ऑनशोर और ऑफशोर ऑनशोर मतलब होता है यहाँ जो जो जमीन पे अगर बैठे हो और ऑफशोर yes, मतलब हो गया पानी में चले गए yes, sir. Yes, sir. समुद्र में जब आप जाते हो क्योंकि मैंने जॉब किया है समुद्र में तो जब आप जाते हो ना तो वहां ऑनशोर ऑफशोर बहुत करते रहते हैं यार ऑफशोर गया था ऑनशोर गया था मैं ऑनशोर अभी बैठा हूँ यार ऑफशोर नहीं हुआ कुछ ठीक है सर ऑनशोर मतलब किनारे हाँ मतलब आप जमीन पे हो ऑफशोर यानी मतलब पानी में पहुंच गए द मैन हैज टू रीच द अदर शोर At the point directly opposite to his starting point. Correct. इसी problem में at the point directly directly opposite to the starting point. Directly opposite to the starting point. If he reaches the somewhere else. If he reaches If he reaches the other shore somewhere else, if he reaches the other shore somewhere else, कहीं और पहुंच जाता है कहीं और पहुंच गया वो he has to walk down to this point. He has to walk down to this point. मतलब वो क्या चाहता है कि भैया अगर मान लो यहाँ पहुंच गया तो वो यहाँ से यहाँ आना चाह रहा है ठीक है Yes, sir. Find the minimum distance that he walks to. Find the minimum distance that he has to walk. Find the minimum distance that he has to walk. Drift, sir. Find the minimum distance that he has to walk. वो जाना तो यहां चाह रहा था लेकिन कहीं और पहुंच गया तो कह रहा है कि इसको कितना मिनिमाइज आप कर सकते हो डब्ल्यू इसी प्रॉब्लम में सर टाइम प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं ये बताओ
मैं समझा देता हूँ, घबराओ मत, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जो कि आपको लगेगा यार ये तो हमसे होगा नहीं, ऐसे वो ना हेड कर रहा है अपना, ऐसे यही तो किया था। यस सर। कितने एंगल पे? थीटा। अब वो क्या चाहता है कि इसी प्रॉब्लम में कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो चला था वहीं पहुंचना चाह रहा है, जहां से चला था उसके जस्ट अपोजिट यहां पहुंचना चाह रहा है। लेकिन ये भी कह रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम को कंसीडर करना है आपको, ठीक, तो वो यहां 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 से चल के यहां जाना चाह रहा है, तो वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहां कहीं पहुंच जाएगा वो, क्योंकि यहां नहीं पहुंचेगा। तो मान लो कि ड्रिफ्ट कितना हो गया उसका, एक्स, एक्स, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो गई एक्स में वो हो गई आपकी वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा। यस हो गई कि नहीं बताओ? इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है वी बी आर साइन थीटा। यस तो इस वेलोसिटी से वो पहुंच जाएगा कहीं यहां, पहुंचेगा कि नहीं बताओ? यस एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ये आपका आ जाएगा कितना, एक्स हो जाएगा आपका वीबीएक्स, वीबीएक्स इनटू टी, वीबीएक्स इनटू टी, ठीक है। वीबीएक्स आपका क्या है? वीआर, वीबीएक्स आपका वीआर प्लस डीवीआर कॉस थीटा है कि नहीं बताओ? यस सर। इनटू टी, टी आपका कितना हो जाएगा भाई बताओ? टी आपका हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वीबीआर साइन थीटा, डब्ल्यू वीबीआर साइन थीटा, क्लियर है? यस सर। अब इसी को क्या कर देना है? डिफरेंशिएट मिनिमम। यस सर। करा कि चलो ठीक है भाई यहाँ नहीं पहुंच पाया वो, लेकिन समवेयर एल्स कहीं यहाँ पहुंच गया, तो जब वो यहाँ पहुंच गया ना बच्चे, तो कह रहा है कि इसी को आप मिनिमाइज कर दो कि ये कितना कम से कम हो सकता है, ये कितना कम से कम हो सकता है, जब VBR की वैल्यू मतलब VBR साइन थीटा की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए कि वो इधर ही की तरफ रहे। यस सर। नहीं आया समझ? आया सर। तो इसी को मिनिमाइज करो और देखो क्या आ रहा है, मिनिमाइज करो, करो मिनिमाइज, कर लोगे? यस सर। मिनिमाइज करो, मिनिमाइज कर लो, देखो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपॉन बी बी आर, इसे हम कर सकते हैं कैसा, ऐसा देखो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू डब्ल्यू को ले लो बाहर, ये हो जाएगा वी आर, वी आर की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर। यस ठीक है, 5 किलोमीटर रख लो इसे, तो वी आर की वैल्यू है आपकी 5 किलोमीटर, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, 5, और वी बी आर कितना है, 3। यस सर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 5/3 साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cot थीटा, होगा कि नहीं बताओ? अरे यही तो आएगा x is equal to, यस सर, w is equal to, मतलब नहीं नहीं है, ये है सर 500 है ना, मतलब है, तो w को रख लो आप कितना, 500 आएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब वैसे होगा नहीं इसका, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। ओके तो इसे क्या कर लो, मिनिमाइज मतलब डिफरेंशिएट कर लो इसे, तो dx by d theta निकाल लो, कितना आएगा बोलो? अरे w को डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको, w हटा दो, कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट है, 5/3 पद sin theta cosec theta, sin theta cosec theta हो गया, cosec theta के डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec theta cos theta। यस सर।
माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। पक्का? यस सर। पता नहीं बाकी लोग तो शांत हो गए भैया। यस सर। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कॉल माइन कोसेक स्क्वायर थीटा सर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में। माइनस में? नो सर। यस सर। is equal to zero, यही तो? Yes sir. Yes sir. तो zero कर दिया हमने, तो ये हो गया बच्चे. 5/3 cosec theta, cot theta, cot theta plus cosec square theta is equal to zero, यही तो होगा? Yes sir. है? कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका 5/3 कॉट थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। यस सर। ये तो है? यस। पक्का? ये बताओ मुझे VBR कितना, VR कितना है? किसी की वैल्यू 2 थी क्या? अब यार हैं सर 5 किसकी सर VR की वैल्यू है। VR की वैल्यू कितनी है? 5। यस सर। यस सर। और VBR कितना है? 3। Yes, हम लोगों ने सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। ठीक है तो बताओ कितना आया ये? हो जाएगा 5/3 5/3 cos theta plus 1 is equal to 0 कर ले। यस सर। cos theta कितना आया? माइनस 3/5 माइनस 3/5 आया तो यहाँ रख दे माइनस 3/5। यस सर। और साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5 सर। साइन थीटा कितना आया बताओ? 4/5 पक्का? यस सर। देखो कितना आ रहा है। यस सर। देखो अब आ रहा है ये सर। क्या हम इससे 5/3 सर ये 5 किलोमीटर है और W तो मीटर में है ना, तो W हमने हटा दिया ना, यही नहीं W का कोई रोल ही नहीं। हाँ W को 1/2 कर लो। 5 किलोमीटर मतलब कितना हो गया? 500 मीटर मतलब कितना हो गया? 1/2 हो गया ना। यस सर। हां तो आप इसे 1/2 कर लो। ठीक है करके देखो क्या आंसर आ रहा। ठीक। यस सर। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, बस ठीक है। मतलब क्या 2/3 आ रहा है क्या? यस सर। 666 आ रहा होगा ना? यस सर। तो 2/3 किलोमीटर हो गया। यस सर। अरे W की वैल्यू कितनी? 1/2 कर लो ना उसे।
यस सर। तो 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा वो? 2/3 किलो। 2/3 हो जाएगा ना, देखो इधर। यस सर। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये देखो मैं कर दे रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका, डब्ल्यू कितना है 1/2। यस सर। 5/3 साइन थीटा 4/5 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4। ठीक। यस सर। ये तो होगा। यस सर। यस सर। 1/4 ले लो बाहर, हो जाएगा 1/8, हो जाएगा 25/3 माइनस 3, तो 3 का 9, 25 में से 9 गया कितना? 25 में से 9 गया कितना बचा? किलोमीटर 2/3 यही तो है आंसर। यस सर। 2/3 किलोमीटर। यस सर। तो मिनिमम यही हो सकता है। यस सर। क्लियर है? कहने का मतलब कहीं पे देखो मेरी बात, कहने का मतलब है कहीं पे भी अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा की बात करता है, क्या करना है उस इक्वेशन को जीरो डिफरेंशिएट करना है जिसके रिस्पेक्ट में वो वेरिएबल है। यस सर। उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना है। हमने यही किया, थीटा के रिस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा था एक्स। यस सर। तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इसे क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट वहां से हमने लगा dx/dθ। यस सर। dx/dθ हमने निकाला, dx/dθ को हमने जीरो पुट किया, वहां से हमने cos थीटा निकाल दिया। cos थीटा नेगेटिव तो हो सकता है ना? यस सर। यस पक्का? यस सर। अरे भाई प्लस 1 से माइनस 1 तक जाता है ये। यस सर। ठीक है। यस सर। cos नेगेटिव के लिए भी थीटा क्या, sin थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। हो गया पॉजिटिव 4/5 आइडेंटिटी लगा के। ठीक। हमने किसको पुट कर दिया? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके एक्स में, और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल लिया? एक्स की वैल्यू निकाल, और ये एक्स आ गया 2/3। यस क्लियर है। एच सी वर्मा के 4-5 क्वेश्चन है इस पे। यस सर। वो आप बना, इस पे एक आध दो प्रॉब्लम और मुझे कराना पड़ेगा, मैं करा दूंगा। ठीक है। यस सर। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम। चलो।